नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। यूपी के लखनऊ में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां के विकास नगर इलाके में एक सड़क धंसने की घटना सामने आई और सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। हादसे की संभावना को देखते हुए पुलिस ने उस रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। अब प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी सरकार प्रदेश के हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कहती है और सड़क भी ऐसी जो गड्ढा मुक्त हो, इसके लिए बजट में करोड़ों रुपयों की राशि का ऐलान किया गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मिशन मोड में अभियान भी चला रखा है, लेकिन जमीन पर ये सभी वादे हवा हवाई नजर आते हैं। मामला नवाबों के शहर कहे जाने वाली राजधानी लखनऊ का है। यहाँ के विकास नगर इलाके में सड़क धंसने की घटना सामने आई और सड़क इस कदर धंस गई कि इससे जमीन में 20 फीट गहरा गड्ढा तक हो गया है। बता दें, विकास नगर की यह सड़क कुर्सी रोड को जोड़ती है और ये मार्ग बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। वो तो गनीमत रही कि जिस समय ये गड्ढा हुआ उस समय वहां पर कोई कार सवार या बाइक सवार नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने उस रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों और प्रशासन को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अचानक इतना बड़ा गड्ढा हो कैसे गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चर्चा आम है कि सड़क बनते वक्त इंजीनियर ने अपने काम में लापरवाही बरती और सस्ता सामान लगाकर खाना पूर्ति की गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। अब स्थानीय लोग इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाने लगे हैं। अब सरकार की तरफ से गड्ढे को भरने के कार्य को शुरू किया जाएगा, लेकिन यहाँ अब सवाल उठता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़कों का ये हाल हो रहा है तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।